ભાવનગર રેલવે વર્કશોપમાં એક સાથે 10 જેટલા કર્મચારીઓનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા યુનિટ 24 કલાક માટે બંધ રાખવાની માગણી સાથે કર્મચારીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો। रेलवे वर्कशॉप में 10 कर्मचारियों नो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आवता कर्मचारियों द्वारा वर्कशॉप 24 कलाक माटे बंद राखी सैनिटाइजेशन कामगिरी करवानी मागणी करवामां आवी हती। जो के आ अंगे अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय लेवामां न आवता कर्मचारियों वर्कशॉप बार एकठा थई होबाळो मचाव्यो हतो। ठीक है, हमारा काम है ना, ये सब ऐसे भी नहीं आ रहा है। सुपरवाइजर और वर्कर में थोड़ा सा डिस्क्यूट जरूर हुआ कि इसके बाद मैं तो ये सर आप सबके सामने कभी भी हमने ये नहीं कहा कि आज वर्कशॉप बंद करो। पॉजिटिव केस आए फिर भी बंद नहीं किया। एडमिन जब बंद हुआ उसके बाद हमने एक्सक्लूसिव सेक्शन के लिए मांगा, वो माने और निगोशिएट करके बातचीत करके फिर बैठ कर हमसे बातचीत किया। पूरा नहीं मानने का बात है, ये वर्कर और जो है प्रशासन का झगड़ा चलता रहता है बरसों से। आज 100 साल की यूनियन हो गई, 100 साल में कितनी बार ऐसी गतिरोध की घड़ी बनी है। आप सभी लोग इतने देर से धूप में खड़े रहे, साहब को मैंने सब अभी आप आगे वर्कशॉप ना कर्मचारी ये माहिती आपी हती। लिए एम्प्लॉयों का जो कोरोना के काल में जिस तरीके से पूरे स्टाफ ने मेहनत किया, आइसोलेशन कोच में भी काम किया, तो अभी पॉजिटिव केस बढ़ते हुए प्रशासन से हमने मांग की कि सेक्शन को 48 घंटे के लिए आइसोलेट किया जाए, उस पर सैनिटाइजिंग कराने के बाद ही दोबारा ड्यूटी पे लिया जाए। तो प्रशासन इस बात को हमारे शाम तक बात हुई पर सहमति नहीं मिली, इसको लेकर पूरा स्टाफ आक्रोशित तो हो गया, तो आज धरना देना पड़ा। तो अभी सभी कर्मचारियों के बीच CWM सर आए, उन्होंने हमारी बात को माना है कि 2 दिन रेव सेक्शन को बंद रखा जाएगा और फ्यूचर में अगर कोई सेक्शन ऐसे होता है तो उसे 2 दिन बंद रखा ही जाना है। अभी इंसेंटिव भी यहाँ का सबसे मेन वो है, 100 कोच के लिए जाना है, 100 कोच पर मंथ आउटन के लिए यहाँ पे इंसेंटिव उससे पहले लाने की हमारी प्रशासन से मांग है। कर्मचारियों देखाओ बाद अधिकारियों दौड़ी आया था ने यूनिट बंद राखी सैनिटाइज करवानी खातरी आपी थी।